37 करोड़ नागरिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार तीसरा मौका दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि जब वो 2014 में आए थे तो उनने पहली बार जब अपने यहाँ से शपथ ली थी तो शपथ लेने के साथ साथ उनने हमारे जो किसान भाई हैं जो गांव में रहते हैं उनकी इनकम बढ़ाने की बात रखी थी और उनको खाली इनकम खाली खेती से नहीं उनको एनिमल हस्बेंड्री से भी जोड़ने का काम उनने बात रखा था। उनने जब ये बात रखा है तो हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि किसान को उनकी आय बढ़े और उनकी इनकम बढ़े। इसके लिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र रूप से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरीज की मंत्रालय का गठन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा उनने आज हमारे भारत के मिल्क प्रोडक्शन 51% की बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय जीडीपी में हमारे लगभग 5.5% जीडीपी में इसी क्षेत्र से दूध उत्पादन से आता है। आज लगभग 9 करोड़ लोग इस में भागीदारी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े हुए हैं। आज जब हम लोग मछली की बात करते हैं तो मछली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रेवोल्यूशन की बात रखी है। उनने लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनने मछुआरों के साथ साथ उनको उनकी आय दुगनी हो उनके साथ साथ उनका कोल्ड चेन का सेक्टर में अपन काम करें उनके साथ साथ हमारे यहाँ के योगदान देते हुए जो रोड सर्विसेज हैं जो उनका प्रोड्यूस है सही समय पर लोगों को मिले इसके लिए बात रखी है। जय जवान जय किसान हमारे देश का शान है और इसको हमारे समृद्ध किसान बनाने की हमारी बात है। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम 21वीं लाइफ स्टॉक सेंसिस के बारे में भी जो अभी इसमें सेंसिस चल रही है और दिसंबर की माह तक ये सेंसिस पूरी हो जाएगी। आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए जो विकसित भारत का प्रोग्राम इन्हें तय किया है कि 2047 तक भारत को की आय बढ़ाई जाए वो किस तरह से किए उसको उसके बारे में अपने को एनिमल हस्बेंड्री जी के जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आज चर्चा करने की ज़रूरत है। उसमें पशुपालन के द्वारा हमारे यहाँ के जो पॉवर्टी एलिवेशन के कारण हमारे क्षेत्र में होते हैं। मैं राजस्थान से जीत के आया हूँ मैं अपने मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और हमारे क्षेत्रों में राजस्थान में पशु और पशु के आधार पर लोग जीवित हैं। हमारे यहाँ 1% पानी है और 1% पानी में पशु के साथ लोग दिल से काम करते हैं तो उसको देखते हुए पॉवर्टी एलिवेशन में एनिमल हस्बेंड्री का बड़ा योगदान है। इसमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके साथ साथ जो हमारे जो ब्रीड्स हैं उसकी जो ब्रीड को हमारे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इनको ब्रीड की इम्प्रूवमेंट के करने का काम किया है और इसमें रिसर्च में भी अपने को आगे देखने को आवश्यकता है। आज हमारा ये कॉम्प्रेंसिव प्रोग्राम बन रहा है कि जो डेयरी को सपोर्ट करे इसमें रोग हटाए इसमें हमारे जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और हमारे जो लो प्रोडक्शन था उसको हम आगे ले जाएं। इसके साथ साथ दूध से हमारे सब लोगों का जो बच्चों का परिवेश होता है जब बड़े बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी बोन डेंसिटी उनके साथ साथ हमारी उनकी आइडियल ग्रोथ उनको न्यूट्रिशन के साथ साथ क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। मुझे आज ये कहने की ज़रूरत ये है कि जो 2014 से लेकर अब तक मिल्क प्रोडक्शन 57.7% 9 साल में 10 साल में अपन ने करके दिखाया है। इसमें 146 मिलियन टन्स 13 से 14 में अब 2030 230 मिलियन टन्स 2022-23 तक अपन ने करके दिखाया है। ये एनुअल ग्रोथ 6% का हुआ है। मैं राज्य सरकारों को भी इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की हो राजस्थान की है मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश
में भी अच्छे काम करने के अपने प्रयास किए हैं। आज जब हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं बातचीत करते हैं तो यहाँ के जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में लगभग 6% हमारे इकोनॉमिक यहाँ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ लोगों को जो नौकरी मिल रही है, लगभग 9 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रही है, और जो आज दूध उत्पादन में हमारा लगभग 23% दूध उत्पादन में हम लोग ने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। एंड वी आर द वर्स्ट विद द फर्स्ट रैंक 23% दूध उत्पादन पूरे देश में और पूरे विश्व में अपन करके दिखा रहे हैं। ये करने का काम कौन ने किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, उनके उनकी नीतियों के द्वारा हुआ है। आज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ दूध 459 पर डे हो रही है, जो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में जो लाइव स्टॉक्स हैं, जिसमें बोवाइन 303 मिलियन कैटल हैं, शीप हैं 74.26 मिलियन, गोट्स हैं 148 मिलियन, इसमें पोल्ट्री है 851 मिलियन। अभी मेरे पहले वक्ता बता रहे थे कि हमारे अंडों के बारे में, अंडों के लिए हम लोग सेकंड रैंक्ड हैं, और ये उत्पादन का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के समय पर उनके नीतियों के द्वारा 129 मिलियन पॉइंट 60 हुआ है। ये 8% का इजाफा हुआ है, और ये इजाफा खाली इसमें नहीं हुआ है, मीट प्रोडक्शन में भी हुआ है। पर ये नीति कैसे बनी, ये नीति बनाने से कैसे बनी, मैं इनके नीतियों के बारे में छोटा छोटा मैं विवरण करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम का काम हमारे 80 मिलियन फार्मर्स के लिए, इस पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो चाहते हैं कि जो इंडिजिनस हम जो हमारे यहाँ जो स्पीसीज हैं उनको जेनेटिक अपग्रेडेशन करने के साथ साथ मिल्क इन्हांसमेंट के साथ उनके क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम उनने करने का बात रखी है। आज जो आज हम देख रहे हैं इस स्कीम में 2025-26 तक 2400 करोड़ रुपए राशि गोकुल मिशन के द्वारा लोगों को दिए जाएगा। इसमें हमारे 9 साल में जो हमारे यहाँ भैंस हैं, भैंस के लिए लगभग जो हमारा उत्पादन था पहले 1648.7 पर केजी पर एनम का था 2013-14 में, अब 2048 केजी पर एनिमल 21-22 तक अपने करके दिखाया है। आज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये दूध उत्पादन 9 लाख 95 लाख करोड़ की राशि अपने करके दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ उनने ब्रीड इम्प्रूवमेंट के काम शुरू किए हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट के काम में उनने लैब्स खोले हैं। लैब्स खोलने के साथ साथ नेशनल कामधेनु ब्रीड सेंटर्स के बात में रखी है, और उसमें उन्हें कोशिश किया है कि जो सेक्स शॉर्टेज सीमेन है और उसमें 90% जो प्रोडक्शन हो वो फीमेल काफ्स का हो। इसके साथ साथ उनने कोशिश किया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा भी लोगों को 592 डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रालय ने मैत्री का काम शुरू किया है। मैत्री मल्टीपर्पज ऑल टेक्नीशियन रूरल इंडिया में लोगों को काम देने का काम किया है। इसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन, इसमें प्रोजेनी टेस्टिंग, इसमें जीनोम टेस्ट सिलेक्शन और गोकुल ग्राम की बात रखी है। आज इतना ही नहीं, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड लोगों को दिया गया है। इसमें डेयरी कोऑपरेटिव को जोड़ा गया है और प्राइवेट को भी जोड़ा गया है। फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखे गए हैं और ई गोपाला ऐप के द्वारा लोगों को जोड़ने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के और मंत्रालय के द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट का काम किया गया है। इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी ऑफ मिल्क की बात रखी गई है। इसमें प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बात रखी गई है। इसमें मिल्क क्वालिटी की टेस्टिंग और मिल्क को इंक्रीज सेल को अपग्रेडेशन करने की फैसिलिटी के बारे में रखा गया है। इसमें राशि 1568 करोड़ की राशि रखी गई है, जिसमें जायका का भी राशि इसमें है। इसमें कई प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट्स को इसमें लाभ मिला है, इसमें लाभ पूरे प्रांतों को मिला है। इसमें 185 प्रोजेक्ट्स 28 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी को इसमें लाभ मिलने का काम किया गया है। इसमें लगभग 1500 डेयरी को लोगों 15,000 डेयरी को कोऑपरेटिव
सोसाइटी को जोड़ा गया है। इसमें 23,790 डेयरी सोसाइटी को ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट का काम दिया गया है। इसके साथ साथ कूलर्स भी अपने को देखने का काम किया गया है। हमारी ये कोशिश और भी है कि मिल्क में अल्ट्रेशन ना हो, और इसमें लगभग उसमें भी अपने लोगों ने ध्यान देने का काम किया है। डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपन ने कोशिश में क्रिएट किया है कि डेयरी इसमें प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 17 दिसंबर में इसको क्रिएट किया गया था, और मॉडर्नाइज मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग वैल्यू एडिशन के लिए अपन ने बात रखी थी। इसको NDB डेयरी के दायरे में जोड़ने की बात रखी थी। इसमें मिल्क प्रोसेसिंग, इसमें चिलिंग, इसमें मिल्क ड्राइंग कैपेसिटी और वैल्यू एडिशन की बात रखेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने समय पे 2017 और 18 में उनने FPOs के लोगों को भी जोड़ने का काम किया है, और FPOs में 2017 में इसको जोड़ने के साथ साथ इसको सॉफ्ट लोन देने की बात रखी गई थी। जब COVID-19 आया था तो 203 करोड़ रुपए इसमें आउटले किए थे, और इसमें पूरे तरह से सभी लोगों को जोड़ने का काम किया गया था। आज लाइव स्टॉक हेल्थ मिशन के द्वारा हमारे क्षेत्र में 2,465 करोड़ दिए गए हैं। इसमें 64 रिवाइज एस्टिमेट से ज़्यादा है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एनिमल को हेल्थ रिस्क से बचाने की बात है। हमारे जो वैक्सीनेशन है फुट एंड माउथ डिजीज़ है, और इसको बताने की ज़रूरत है। अभी हमारे इससे पहले यहाँ वक्ता बोल रहे थे कि लंपी के बारे में, मैं उस प्रांत से आता हूँ जहाँ लंपी हमारे क्षेत्र को तबाह कर दी, तबाह करने के साथ साथ पूरे क्षेत्र को खराब कर दिया। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्रों में उस वक्त सरकार थी श्री अशोक गहलोत की, उसने उस समय पे एनिमल मंत्रालय को भेजा गया और लंपी वायरस को देखा गया और उसके लिए डोज दिए गए। पर उस वक्त की राज्य सरकार ने, आप बैठ जाइए, उस वक्त की राज्य सरकार ने पूरी तरह से इसमें ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान देने के वक्त इसकी वजह से वहाँ के लंपी की वहाँ दिक्कत पड़ गई। आज हमें यह बात बोलने की ज़रूरत यह है कि हमारे इस योजनाओं के द्वारा सब्सिडी का काम भी दिया गया है। पोल्ट्री फार्म्स के लिए 25 लाख, भेड़ और शीप पालन के लिए लगभग 50 लाख की सब्सिडी दी गई है। हमारे फीड फोडर यूनिट्स के लिए भी हमने यहाँ पैसा दिया है 50 लाख। इसको सिडबी से जोड़ने का काम किया गया है। इसके साथ एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को जोड़ने के लिए FPOs के द्वारा और मिल प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करने का काम किया है। पूरे क्षेत्र में जहाँ से हम आते हैं राजस्थान से, यहाँ के जो नस्ल हैं जैसे राठी, गीर, थारपरकर, हमारे कंकरेज, हमारे जो भैंस हैं मुर्रा, जफरेदी, बडावरी, और हमारे गोट्स हैं जब मारवाड़ी, शेखावाटी, जखराना, जो हमारा शीप्स हैं चोकला, नाली, जैसलमेरी और सुनाडी, हमारे जो हमारा राष्ट्रीय हमारा जो प्रांत का जो मेन एनिमल है वो कैमल है। आज हमारे RCDF के द्वारा लोगों को जोड़ने का काम भी हमने काम किया है, और राजस्थान में इसके बारे में बड़े अच्छे काम हुए हैं। मिल्क ब्रीड और एलाइट एक्टिविटीज को जोड़ने का काम किया है। मुझे कोऑपरेट डेयरी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोऑपरेट डेयरी जो अमूल में शुरू किया गया है, जो कायरा में डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, वर्तमान में 1800 कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं। इस ग्रुप में लगभग 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं। 3.5 करोड़ लोग डेली दूध बेचते हैं, उनको 200 करोड़ की राशि डेली मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उनका ये इकोनॉमिक मॉडल, आनंद पैटर्न का मॉडल खाली देश में नहीं, विदेश में भी इसको लागू किया जा रहा है, और इसका प्रोसेसिंग इसके साथ साथ हमारे दक्षिण भारत में जब हमारी सरकार थी तो उसको भी अच्छा करने का काम किया है, जो नंदिनी का प्रोग्राम अपने करने का काम किया है। इसके साथ साथ जब भाजपा सरकार थी हमारे क्षेत्र में तो हमारे क्षेत्र में 3,100
नवीन पशु चिकित्सालय उपकेंद्र खोलने का काम किया, हमारे क्षेत्रों में गौशालाओं को पशु आहार देने का काम किया, हमने गौशालाओं को 1,096 करोड़ रुपए देने का काम किया, इसमें पशु नस्ल को सुधार करने का काम किया और बीमा का काम करने का काम किया है। भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्र में काम करने का काम किया है। अब मैं मच्छियों के बारे में बात करने की मैं बात रखता हूँ, इस पर संक्षेप में बात रखूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज देश थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है जो मच्छी का उत्पादन कर रहा है और इसमें ग्लोबल शेयर 8% है। 2.8 करोड़ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। मुझे ये बोलने की ये जरूरत है, 70 साल में 3,682 करोड़ ही इसमें राशि रखी गई पूर्व में। 2014 के बाद इस विभाग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमी को जोड़ने के साथ साथ उनने सोचा है कि 30,572 करोड़ इसमें राशि रखी गई है। इसमें फिशरी एंड एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया है। उनने इनलैंड वाटरवेज इनलैंड क्षेत्र में हमारे फिशरीज को बढ़ावा दिया है, मरीना में लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है, उनने फिशरमैन वेलफेयर का काम करने का काम किया है, उनने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है, उसने एक्वेटिक हेल्थ देने का काम किया है और हमारे क्षेत्र में जो ऑर्नामेंटल फिशिंग होती है छोटी मच्छी होती हैं उसको देने का काम किया है। आज उसको देखते हुए पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के द्वारा हमारे तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारे मेजर फिशिंग हार्बर्स को चेन्नई कोची पारादीप पेना पेट्रोघाट एंड विशाखापट्टनम में इसमें काम करने का काम किया है। आज हमारा जो फंड है फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो फंड है इसमें हमारे क्षेत्र में जो फंड है 7,522 करोड़ इसकी राशि जो दी गई है इसमें हार्बर डेवलपमेंट फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स आइस प्लांट कोल्ड स्टोरेज फिशिंग फिश को ट्रांसपोर्ट करने का हैचरीज का और प्रोसेसिंग का काम दिया गया है। और हमारे 9-10 साल में हमने लोगों को काम देने का काम किया है। हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बने हुए हैं। हमने लगभग लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जोड़ने का काम किया है, लोगों का आय बढ़ी है। इसके साथ साथ जो फिश प्रोडक्शन हुआ है वो 1,74,00,000 टन्स 81% बढ़ा है। इनलैंड वाटरवे में अपन ने बढ़ाने का काम किया है, 10,00,000 टन इसमें काम करने का काम किया है। और हमारे जो एक्सपोर्ट अर्निंग हुई है वो है 63,000 करोड़ 969 हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड लोगों को मिलने का काम किया है। इसके साथ साथ अपन ने फिश प्रोडक्शन के साथ साथ श्रिम्प कल्टीवेशन में भी 267% का ग्रोथ किया है। इसके साथ साथ अपन ने प्रोडक्शन और फिशिंग हार्बर्स के साथ साथ सागर परिक्रमा यात्रा को भी जोड़ने का काम किया है जो हमारे 8,000 किलोमीटर है जो हमारे पूरे सागर से उसमें फिशर्स को। इसके साथ साथ अपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स में भी लोगों को जोड़ने का काम किया है। FPPOs और कोऑपरेटिव्स में 2,092 फिश फार्मर्स को भी जोड़ने का काम किया है। वेसल कम्युनिकेशन में भी अपने काम करने का प्रयास किया है। इसमें 364 करोड़ राशि दी गई है। अब 2024 के बजट में मैं ये बात रखी है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग और श्रिम्प इसका काम रखी है बात रखी है। इसमें मैरिटाइम प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ने बात रखी है कि MPDA ने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग और श्रिम्प एंड फिश फीड्स पे हमने कस्टम ड्यूटी कम की है। ये कम करने से हमारे बूस्ट ऑफ एक्वाकल्चर और सी फूड एक्सपोर्ट बना है। हमारे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन ब्लैक टाइगर ब्रूड स्टॉक एंड वर्म्स पे हमारे इसमें 5% का रिडक्शन हुआ है। इसमें न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स में हमारे श्रिम्प ब्रूड स्टॉक में ₹100 करोड़ जो एनुअली थी उसमें भी इजाफा हुआ है। इससे हमारा जो उत्पादन है 30% का कॉस्ट हमें क्षेत्र का रिडक्शन हुआ है।
इसमें नबार्ड से हमें 80% प्रोजेक्ट का राशि मिली है और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिला है। इसमें हमारे 639 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट बने हैं और हमारी जो राशि है 60,523 करोड़, विच इज अमाउंटिंग टू $7.38 बिलियन का श्रिम्प कंट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्र से हुआ है। हमारे फ्रोजन श्रिम्प का जो राशि है वो लगभग 40,000 करोड़ का है। आज मुझे ये बोलने की भी जरूरत है, जब हम खेती के जब हम इनलैंड वाटर बेस के बारे में बात करते हैं तो हमें डीप सी फिशिंग के बारे में भी बात करने की जरूरत है। हमारे डीप सी फिशिंग में हमारे 100 फीट डीप हमारे जो शोर से 100 फीट डीप और कॉन्टिनेंटल मार्जिन से दूर होनी चाहिए। इसमें हमारे की पार्ट ये है कि हमारे जो 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें भी अपने को बात रखी है। इसमें एक कमेटी बनाई थी, श्री मरौरी कमेटी चार बनाई थी। इस कमेटी ने पाया था कि जो इसमें इसको रिवाइवल ऑफ फिशिंग करना है, पर फिशिंग का रिवाइवल उस समय हो नहीं पाया और उसमें जो हमारा जो फिश की जो मात्रा थी वो अनएक्सप्लॉयटेड हो की गई। तो इसमें अगर उसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो उसमें कैसे बढ़ाएं, तो उसमें 60% सेंक्शनिंग केंद्र सरकार से हमने कोशिश किया है कि हमारे क्षेत्र में वेसल्स को पैसा देने का काम किया है। इसमें अपग्रेडेशन और वेसल का काम किया है और इसमें स्टार्टअप और इसमें टेक्नोलॉजी का जोड़ने का काम किया है। आज मुझे ये भी कहने की जरूरत है यह है कि हमारे इस क्षेत्र में ट्यूना फिशिंग हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की तरफ होती है। इसका 12% का पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड का 12% का वर्ल्ड वाइड का पोटेंशियल है। इसको इंडियन ओशन कमीशन ऑफ येलो एंड ड्यूना के बारे में इसमें भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जोड़ने की आवश्यकता है। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि हमें ऑर्नामेंटल फिशिंग के लिए हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलर हॉबी है हमारा और वर्तमान में इसमें बहुत से लोग 18 बिलियन से 20 बिलियन लोग इसमें जुड़े हुए हैं $ के लगभग 18 से 20 मिलियन का इसका मार्केट है। वर्तमान इसकी जो फिशिंग फिश है इसमें फ्रेश वाटर और मरीना वाटर की फिश है। इसमें हमारे सिनेरियो में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब अपन देखते हैं तो ऑर्नामेंटल फिशिंग 0.4% है। अब यह रैंक 31st, इसमें मंत्री जी आप देखें तो उसमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। हमें वर्तमान में एक्सपोर्ट ट्रेड 8.40 करोड़ है, इसको बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। ये 11% बढ़ रहा है, इसमें अपन बढ़ाने की अपन करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा। जहाँ से हम आते हैं राजस्थान में इसकी बड़ी पूछ है और इसमें यह है कि हमारे क्षेत्रों में जो राजस्थान में हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में इसकी ऑर्नामेंटल फिशिंग के बारे में बात रखी थी और इसको बढ़ाने का काम कमेंसमेंट का काम 2006 में शुरू किया गया। जब 6 में शुरू किया गया है तो इसमें राज्य सरकार का भी योगदान जरूर मिला है, पर इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमारे क्षेत्रों में इनलैंड वाटर फिशिंग में भी हमें बहुत देने की आवश्यकता देने की बात है। आज हमें ये कहने की ये बात ये है कि हमारे झालावाड़ और बारा के क्षेत्र में इनलैंड फिशिंग की ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपने हमें दिया है उसमें हमारे इनलैंड फिशिंग की मात्रा बढ़ रही है। क्या आप हमारे क्षेत्रों में इसमें आप मदद करने के प्रयास करेंगे क्या? आज आखिरी में मुझे ये भी कहना है कि जो एरिड कंडीशन होता है उसमें ऑर्नामेंटल फिशिंग की फास्टर ग्रोथ होती है और जब छोटे और इसमें बॉडी ऑर्नामेंटल फिशिंग की कलराइजेशन होता है, इसमें इनका जो रिप्रोडक्शन है सही समय पर होता है, इसकी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी हो सकती है। हमारे जयपुर अजमेर और हमारे पूरे क्षेत्र में इसका लाभ मिल सकता है। आखिरी में मुझे ये भी कहना है कि हमारे इनलैंड फिशिंग के साथ साथ कि जो ग्रोथ हुई है वो इनलैंड फिशिंग की ग्रोथ हुई है 8.78% 9 साल में 131 लाख टन की ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उनके सोच के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है
कि लाइव स्टॉक में 7.38% की ग्रोथ है, फिशरीज में 8.9% की ग्रोथ है, और ये ग्रोथ जब हो सकता है जब हम लोग इसमें ध्यान दे पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को, डिपार्टमेंट के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं मंत्री जी कि आप हमारे प्रांत राजस्थान के लिए भी अच्छे नीति बना के पूरा सहयोग करके इनलैंड वाटरवेज को बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में मछुआरों को काम मिले, इसके साथ साथ हमारा दूध उत्पादन हमारे क्षेत्रों में आगे बढ़े और हमारे पशु को भी हम उसको आगे ले जाएं और सभी प्रांत के हमारे सभी डिस्ट्रिक्टों में इसका लाभ मिले। इसमें सभी लोग को धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।